हाय गाइस, वेलकम बैक इन IoT प्लेलिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं RFID कॉन्सेप्ट, जो IoT के अंदर होता है, जिसका मीनिंग होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करता है किसी चीज़ का, वो टेक्नोलॉजी होती है आपकी RFID। इसके अंदर देखो, इसके अंदर मेनली RFID टैग्स होते हैं, उसके थ्रू होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो, RFID टैग्स आर प्राइमरली यूज्ड टू मेक एवरीडे ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन विच ईच अदर एंड मैन हब एंड रिपोर्ट देयर स्टेटस। चलो एक एग्जांपल लेके पकड़ के चलते हैं। लाइक इन हेल्थ केयर, यानी हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट बेड के ऊपर है और उसकी जो बीट है, हार्ट बीट है, वो मेजर हो रही है, तो RFID के थ्रू नहीं करते हैं। लाइक आपका जैसे असेट ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट हो गए, कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है कि मेडिकल स्टोर के अंदर मान लो, या क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर, उसको ट्रैक कर देगा। कितने पेशेंट और स्टाफ है उसको ट्रैक कर देगा रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। ठीक है, अपन ये कर सकते हैं बिल्कुल। रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेजर होगी, उसके थ्रू अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कितने पेशेंट है, कितने स्टाफ है। इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्ट ये कोई भी डिजीज़ पर्टिकुलर एरिया में फैल गई हॉस्पिटल के किसी भी एक पार्ट में, जैसे डिजीज़ फैल गई, तो उस एरिया को अपन ब्लॉक करेंगे, जिससे क्या होगा, अपन को देखिए पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये क्या करेगा, डिटेक्ट कर देगा कि इस एरिया में रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू में पता चल गया कि इन्फेक्शन, तो इस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिन जिन पेशेंट के अंदर वो फ्रीक्वेंसी मिलती है उनको रोक दिया जाएगा। यही तो करते हैं यार, कोविड में भी तो यही तो करते हैं, वो कान के पास चेक करते हैं। ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। एक आपको ये थोड़ा समझाता हूँ। देखो, RFID यूजेस वायरलेस नॉन कॉन्टैक्ट। पहली बात क्या है, ये नॉन कॉन्टैक्ट है, पूरा वायरलेस वर्क होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स इन विच डेटा इज डिजिटली एनकोडेड इन RFID टैग्स। ठीक है, तो आपका डिजिटली एनकोडेड किस में होता है, RFID टैग्स। तो RFID की डेफिनेशन कुछ इस तरह से देखी मिलेगी कि RFID यूजेस वायरलेस नॉन कॉन्टैक्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स इन विच डेटा इज डिजिटली एनकोडेड इन RFID टैग्स विच कैन बी रीड बाय द रीडर थ्रू रेडियो वेव्स। तो एक रीडर होता है रीड करने के लिए। नॉर्मली अगर इसका मैं आपको डायग्राम शो करूँ तो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसके अंदर टैग कम्युनिकेट करता है रीडर से, रीडर आपका सर्वर से, सर्वर इंटरनेट, इंटरनेट आपका नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट से। अब बात करूँ एक्चुअली ये टैग और रीडर कैसे रीड आउट करता है, रेडियो वेव्स कैसे पास होती है, तो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो हमारा RFID जो है वो एंटीना, इसके अंदर होते हैं एक इनर एंटीना, एक होता है आउटर एंटीना, तो वो मैं आपको शो करता हूँ। या सी यहाँ तो ये वाला मत लेना, इतना है। ठीक है, तो ये आपका RFID रीडर है और ये आपका RFID टैग है। ठीक है, ये आपके एंटीना हो गए, एंटीना ऑफ रीडर, एंटीना ऑफ टैग। ठीक है, अब ये डेटा आपस में शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। मैंने क्या कहा था, ये रीड कर सकता है, ये डेटा दे सकता है, तो आपस में लेन देन हो रही है। अब यहाँ पर रीड करने के लिए इसको क्लॉक सिग्नल तो भेजना पड़ेगा ना एंटीना को, और एनर्जी भी भेजनी पड़ेगी। तो इस तरफ एरो आपको देखने को मिलता है और इस तरह से ये क्या कर रहा है, रीड करता जा रहा है डेटा को, और यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर होता जा रहा है। ऑलराइट, तो ये था हमारा RFID, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, लाइक पेशेंट वेशेंट कितने, ये हेल्थ केयर में नहीं, सभी जगह यूज कर सकते हो आप, पब्लिक प्लेस में यूज कर सकते हो, कितने मेंबर है, कितने लोगों ने मास्क लगा रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, AI ML। ठीक है, सो आई होप RFID का आइडिया लग गया होगा आपको। इतना कर दोगे डेट वुड बी सफिशियंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आज की वीडियो में इतना ही, एनी डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।